क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स एक और मैच हार गई और 8 में से 6 मैच गंवाकर आईपीएल से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन पंजाब के खिलाफ खेला गया ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली थी। जी हां, आखिरी ओवर में जीत के लिए 27 रन बनाने थे और उसे महेंद्र सिंह धोनी बेहद आसानी से बनाने भी जा रहे थे। एक छक्का पड़ चुका था, आगे भी छक्के लगने वाले थे, लेकिन जडेजा की गलती, जडेजा की जिद एक बार फिर से धोनी पर भारी पड़ गई। जी हां, आखिरी ओवर में ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि धोनी के आउट होने से ठीक पहले जडेजा ने कुछ ऐसा कहा और फिर धोनी ऐसी गलती पर आउट हो गए जो कि कहीं से भी धोनी की लगती ही नहीं है, क्योंकि धोनी ऐसी गलती कर नहीं सकते। तो क्या हुआ आखिरी ओवर में, ऐसा कैसे जडेजा की जिद पड़ गई टीम पर भारी, कैसे जडेजा की कप्तानी दिला रही है सीएसके को नानी याद, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जडेजा की खराब कप्तानी चेन्नई को ले डूबी और क्या जडेजा को कप्तानी से हटा देना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो पंजाब किंग्स ने सीजन दूसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया, 11 रन से सीएसके हार गई। हालांकि मैच आखिरी ओवर तक चला और आखिरी ओवर में भी चेन्नई की जीत के पूरे पूरे चांस थे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट फिनिशर मैदान में थे। लेकिन चेन्नई के फैंस को मायूस होना पड़ा क्योंकि जीत मिल नहीं पाई। मगर यहीं पर आखिरी ओवर को लेकर जडेजा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हैरानी भरे हैं और यहां तक कि धोनी के आउट होने, सीएसके की हारने की वजह भी जडेजा को ही बताया जा रहा है। अब आखिरी ओवर में क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वो देखिए और समझिए। आखिरी ओवर लेकर पंजाब के लिए ऋषि धवन आए और ऋषि धवन के सामने थे महेंद्र सिंह धोनी जो कि बड़े शॉट्स के लिए तैयार थे और धवन को निशाना बनाना ही अंतिम विकल्प था और हुआ भी यही। आखिरी ओवर की पहली ही बॉल पर धोनी ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को मारा और बॉल स्टैंड्स में पहुंच गई, छक्का हो गया। जी हां, पहली बॉल पर ही माही ने छक्का मार दिया था, पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब 5 बॉल में 21 रन की जरूरत थी, अभी भी लंबे शॉट्स की ही जरूरत थी। लेकिन अगली बॉल धवन ने बाउंसर मारने की कोशिश की और इस दौरान बॉल इतनी ज्यादा ऊंची चली गई कि चालाक धोनी ने इसे छोड़ दिया, बॉल को जाने दिया और अंपायर ने व्हाइट बॉल इसे करार दे दिया। अब यहाँ पर समझिए, आगे बढ़ने से पहले ये बेहद जरूरी है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हैं और बॉल कहाँ टप्पा खाने के बाद वाइड हो सकती है और कितनी ऊंची जा सकती है, कितनी बाहर जा सकती है स्टंप से, ये अच्छी तरह धोनी जानते हैं और इसीलिए इस बॉल को धोनी ने छोड़ दिया। अब ये जानना यहाँ पर इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे इसी वजह से धोनी को आउट होना पड़ा, चेन्नई को मैच हारना पड़ा। जी हाँ, अब अगली बॉल जो कि ओवर की दूसरी लीगल बॉल थी वो डॉट हो गई, धोनी ने शॉट मारा लेकिन धवन ने उसे बॉल थ्रू में पकड़ लिया। अब प्रेशर आ गया था बड़े शॉट का, छक्के का, लेकिन धोनी कहां प्रेशर लेते हैं, वो तो बिल्कुल कूल होकर खेलते हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे कप्तान रविंद्र जडेजा जो कि सीजन प्रेशर झेल ही नहीं पा रहे और यहां पर भी यही हुआ, रविंद्र जडेजा से प्रेशर झेला नहीं जा रहा था। जी हां, जडेजा वॉक करते हुए धोनी के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। अब अक्सर ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि खुद धोनी जाकर दूसरे बल्लेबाज को समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यहां पर कप्तान बने रविंद्र जडेजा धोनी के पास जाकर धोनी को समझाने लगे और कुछ बताने लगे। अब वैसे तो धोनी प्रेशर लेते नहीं है, कूल रहते हैं, लेकिन जडेजा ने पहले तो खुद जबरदस्त प्रेशर ले लिया, तनाव ले लिया और फिर उस प्रेशर और टेंशन को धोनी को ट्रांसफर भी कर दिया, धोनी के ऊपर भी डाल दिया। और ओवर की तीसरी बॉल जो कि लेग स्टंप से बेहद ज्यादा बाहर थी, वाइड बॉल ही होती, उस पर धोनी ने जबरन मजबूरी में शॉट मार दिया। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धोनी विकेट कीपर होने के नाते इतनी समझ रखते हैं कि कौन सी बॉल वाइड जाने वाली है कौन सी नहीं, लेकिन यहाँ पर धोनी रविंद्र जडेजा की बातों में आ गए और जडेजा के चलते प्रेशर में भी आ गए और इसीलिए वाइड बॉल को छोड़ा नहीं बल्कि छेड़ दिया और बल्ले पर टॉपेज लगा और जॉनी बेरस्टो ने बेहद ही आसान सा कैच पकड़ लिया और महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए और वो भी वाइड बॉल पर। जी हाँ, धोनी छोड़ देते तो ये बॉल वाइड थी, वाइड ही होती, लेकिन जडेजा के प्रेशर में धोनी से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत बॉल को छेड़ दिया और गलत वक्त पर आउट हो गए और यहीं पर एक तरह से मैच भी खत्म हो गया। अब धोनी आउट नहीं होते तो ये भी वाइड बॉल होती और 4 बॉल में 19 रन की जरूरत होगी और जो कि पिछले मैच में धोनी कमाल कर चुके थे, पिछले मैच में धोनी ने 4 बॉल में ही बाजी पलटी थी, 17 रन वहां पर बनाए थे और यहां भी बेहद आसानी से कर सकते थे, लेकिन धोनी आउट हो गए और बाकी बल्लेबाजों में तो दम था ही नहीं। कप्तान रविंद्र जडेजा खुद इतना धीमा खेल रहे थे कि हार की आधी वजह तो खुद उनकी धीमी बल्लेबाजी भी रही। जडेजा जब से क्रीज में आए ना वो चौका लगा पा रहे थे और ना ही छक्का और ना ही स्ट्राइक बदल पा रहे थे, वो तो आखिरी ओवर में जब हार एक तरह
जैसे पक्की हो गई थी, वो तुक्के में जडेजा का छक्का लग गया, नहीं तो जडेजा सबसे खराब बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दिखे। और सबसे खराब फैसला तो मिशेल सेंटनर को तीसरे नंबर पर भेजने का रहा। सेंटनर ने सिर्फ बॉल बर्बाद की, टीम पर दबाव बढ़ाया, फिर आउट होकर चलते बने, बाकी बल्लेबाजों का काम बेहद मुश्किल कर दिया। अब कप्तानी में प्रेशर आता है, दबाव भी आता है, ये मानते सभी हैं, जानते भी हैं, लेकिन जितने प्रेशर में जडेजा हैं वो हैरानी भरा है। बल्लेबाजी वो कर नहीं पा रहे हैं, गेंदबाजी में रन लुटाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि फील्डिंग में भी कैच छोड़ने लगे हैं। जी हाँ, रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी फील्डिंग में कैच छोड़ने लगा है और खुद तो खुद धोनी जैसे कूल इंसान को भी प्रेशर कंडीशन में पहुंचा दे रहे हैं। अब हम तो यही सलाह देंगे कि जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर ही खेलना चाहिए और चेन्नई को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए सबसे पहला फैसला जडेजा को खुद कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर जडेजा ऐसा नहीं करते हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट को उन्हें हटा देना चाहिए कप्तानी से, और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को या फिर किसी और खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जानी चाहिए। अब अगर वहां पर धोनी है और उन्हें ही कप्तानी सौंपी जाती है तो ये बेहतरीन फैसला होगा और तभी चेन्नई का कुछ हो पाएगा, नहीं तो आगे भी हार मिलेगी और इससे भी बुरी हार हो सकती है, इससे भी बुरी हार मिल सकती है। तो आपका क्या मानना है, हार के लिए रविंद्र जडेजा कितने बड़े जिम्मेदार है, उनकी खराब कप्तानी कितनी बड़ी जिम्मेदार है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। और क्या वाकई धोनी आखिरी ओवर में 27 रन बना देते, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई इंडियंस एक और मैच हार गई, 5 बार की चैंपियन टीम सबसे फिसड्डी पायदान पर है और लगातार मैच हारती जा रही है, और अब तो हालत यह है, लगने ये लगा है कि मुंबई अपने सारे के सारे 14 मैच हार जाएगी, क्योंकि खेल ही कुछ ऐसा हो रहा है। वहीं लखनऊ की टीम ने एक बार फिर धांसू खेल दिखाया और मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि आखिरी 2 ओवर तक भी मुंबई की टीम मैच में थी, लेकिन कायरन पोलार्ड एक बार फिर रन नहीं बना पाए, छक्के नहीं लगा पाए, और हालत ये रही कि पोलार्ड के क्रीज में रहते हुए भी मुंबई की टीम हार गई। अब पोलार्ड इस हार से इतना नाराज, इतना परेशान, इतने व्यथित थे कि पोलार्ड ने भरे मैदान में कुणाल की बेइज्जती कर दी। हालांकि गलती कुणाल पांड्या की भी थी, क्योंकि वो जले पर नमक छिड़क रहे थे, पोलार्ड की हालत पर एक तरह से तंज कस रहे थे। जी हां, मुंबई की हार से ठीक पहले ऐसा ही हुआ, जो कि ड्रामा हुआ। अब वैसे तो मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 39 रन बनाने थे, जो कि 6 छक्कों के बाद भी असंभव थे, लेकिन यहां ओवर की पहली लीगल बॉल पर पोलार्ड ने लंबा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अब कायरन पोलार्ड खुद अपनी खराब बल्लेबाजी से नाराज थे, मुंबई की हार से परेशान थे और आउट होकर वापस चुपचाप जाने लगे। लेकिन यहीं पर कुणाल पांड्या ने गलत हरकत कर दी, गलत इसलिए क्योंकि ये सही समय बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही पोलार्ड आउट होकर जाने लगे तो कुणाल पांड्या पोलार्ड को रोकने लगे। जी हाँ, पोलार्ड का हाथ पकड़ने की कोशिश की, हाथ को वहीं पर पकड़ लेने के लिए कुणाल पांड्या आगे बढ़े, लेकिन पोलार्ड तो भयंकर गुस्से में थे। पहले तो टीम लगातार हार रही है और ऊपर से खुद पोलार्ड का खेल भी लगातार खराब हो रहा है। अब ऐसे में गुस्से के बीच कुणाल ने पोलार्ड का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पोलार्ड ने पांड्या का हाथ झटक दिया। जी हाँ, लेकिन कुणाल पांड्या कहाँ मानने वाले थे, कुणाल पांड्या तो जीत के नशे में ऐसे चूर थे कि वो भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। कुणाल पांड्या उछल कर पोलार्ड के कंधे पर कूद गए और इस दौरान पोलार्ड को जकड़ भी लिया। अब यहाँ पर पोलार्ड के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, पोलार्ड कुछ बोले नहीं, पलटे भी नहीं, लेकिन हाँ कुणाल पांड्या कोशिश करते रहे, लेकिन पोलार्ड ने कुणाल की तरफ देखा तक नहीं और वापस मैदान से बाहर चले गए। लेकिन इस दौरान कुणाल पांड्या की हरकत पर पोलार्ड बेहद नाराज दिख रहे थे, उनके चेहरे पर नाराजगी गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो किसी बात का हो सकता है लिहाज कर रहे थे। अब यहाँ पर पोलार्ड पलटे नहीं, यही गनीमत रही, क्योंकि पोलार्ड की हालत हारे हुए जुआरी की तरह थी, जो कि गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुणाल को ये बात समझ नहीं आई और लाख कोशिश के बाद भी पोलार्ड ने कुणाल को एंटरटेन नहीं किया, भरे मैदान में बुरा बेइज्जत कर दिया। हालांकि ये भी गनीमत रही कि पोलार्ड के गुस्से का शिकार होने से कुणाल पांड्या बच गए, क्योंकि दोनों खिलाड़ी मुंबई के लिए साथ साथ लंबे समय खेले और दोनों के बीच पहले ठीक ठाक बाउंडिंग भी रही है। लेकिन पोलार्ड के गुस्से ने दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकते थे। खैर, पोलार्ड ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ भरे मैदान में कुणाल पांड्या को बेइज्जत जरूर कर दिया। कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर तक कहने लगे कि कुणाल पांड्या लकी थे कि पोलार्ड ने कुछ किया नहीं, पलटे नहीं, लेकिन ये सही वक्त नहीं था पोलार्ड को परेशान करने का या फिर पोलार्ड से ऐसी हरकत करने का। लेकिन कुणाल पांड्या जीत के नशे में दूसरों के जले पर नमक छिड़कने लगे, जो कहीं से भी ठीक नहीं था, और पोलार्ड ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, कुणाल पांड्या की बुरी बेइज्जती कर दी। हालांकि हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि गनीमत ही रही कि पोलार्ड पलटे नहीं और कुछ ऐसा किया नहीं जो कि कुणाल पांड्या पर भारी पड़ जाता बहुत ज्यादा। अब आपका क्या मानना है, क्या पोलार्ड को पलट कर जवाब देना चाहिए था या फिर पोलार्ड ने कुणाल को इग्नोर करके बिल्कुल ठीक किया? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।